परिवर्तन यात्रा के जरिए चुनावी मोड में भाजपा। तीन दिन में तीन दिशाओं से रवाना हुए परिवर्तन रथ। जमीन पर उतरे जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह। अभी तक नहीं मिल रहा जनता का समर्थन। जनसभाओं में नहीं दिख रही उतनी भीड़। राजस्थान में दो महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में राजनीतिक दलों ने चुनावी चौसर बिछाना शुरू कर दिया है। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस से एक कदम आगे बढ़ाते हुए सुनियोजित तरीके से परिवर्तन यात्रा शुरू की, जिसके तहत कमजोर क्षेत्रों से अलग अलग दिन परिवर्तन रथ को रवाना किया गया। बाकायदा दिल्ली से दिग्गज नेताओं को इन रथों को हरी झंडी दिखाने के लिए बुलाया गया। पहले दिन सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा का श्री गणेश कर दिया है। दूसरे दिन डूंगरपुर के बिनेश्वर धाम से गृहमंत्री और पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने, जबकि तीसरे दिन जैसलमेर के पोखरण से रक्षा मंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने परिवर्तन रथ को रवाना किया। मगर सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली पार्टी अभी तक जनता का विश्वास नहीं जुटा पा रही। पार्टी की ओर से आयोजित जनसभाओं में उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं जुट रही। तीन दिन की जनसभाओं में पहुंची भीड़ की संख्या पर नजर डालें तो सवाई माधोपुर के रणथंभौर में जेपी नड्डा की जनसभा में लगभग 8,000 की संख्या थी। डूंगरपुर के बिनेश्वर धाम में गृहमंत्री अमित शाह की सभा में 15,000 की भीड़ थी। जैसलमेर के पोखरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा में लगभग 10,000 की संख्या थी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा की जनसभाओं में आई भीड़ पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। भाजपा ने उन इलाकों से यात्रा शुरू की है जहां पिछले चुनाव में उसकी स्थिति उम्मीद के मुताबिक नहीं थी, लिहाजा थिंक टैंक चिंता में है और परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए नए सिरे से रणनीति तैयार करने पर मंथन कर रहा है। राजनीतिक जानकार इसका कारण कोई बड़ा चेहरा नहीं होने को मान रहे हैं। ये पहली बार है जब भाजपा किसी बड़े चेहरे को सामने नहीं लाकर परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। इससे पहले वसुंधरा राजे पार्टी का चेहरा थी, मगर इस बार प्रदेश भाजपा के सभी नेता इस यात्रा का चेहरा बने हैं, ऐसे में वो रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। हालांकि अभी तीन दिन ही बीते हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में परिवर्तन रथ पर जनता सवार हो। उधर सत्ता के सिंहासन पर काबिज कांग्रेस चुनावी प्रचार में आक्रामक नहीं हो पाई है। अभी तक सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, मगर दिल्ली से लेकर जयपुर तक पार्टी संगठन उतना सक्रिय नहीं हो पाया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो प्रचार की कमान संभाल ली है, लेकिन आदिवासी दिवस पर बिनेश्वर धाम में हुए कार्यक्रम को छोड़ दें तो प्रदेश में वे निष्क्रिय ही हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर 6 सितंबर को भीलवाड़ा में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अब अन्य नेताओं के दौरे कब होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल ये तय है कि इस बार विधानसभा चुनाव मजेदार होने वाला है। अब देखना ये होगा कि परिवर्तन यात्रा के प्रति जनता की भागीदारी के लिए भाजपा क्या रणनीति बनाती है, और देखना ये भी होगा कि कांग्रेस परिवर्तन यात्रा का क्या तोड़ लाती है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से दर्श शर्मा की रिपोर्ट।